बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदल और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह खैरियत से होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जैसा कि मैंने ना आपको अपनी पिछली वीडियो में अपने बकरे दिखाए थे जो कुर्बानी पे ना सेल करने के लिए हम लेकर आए थे, जो हमने खरीदे थे। तो अभी सुबह का वक़्त है तो इनको ना नाश्ता देने लगा हूँ। सुबह के नाश्ते में इनको मैं क्या क्या खिलाता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ, साथ में ना अपने न्यू बकरे ना आपको दिखाता हूँ। बकरे हम ले तो 10-12 दिन पहले आए थे, लेकिन मैं ना व्लॉग आज बना रहा हूँ क्योंकि जब ये लेकर आए थे ना तो ये ना खाते नहीं थे अच्छी तरह, बहुत कमज़ोर हो गए थे। क्योंकि मंडी से हम लेकर आए थे तो मंडी से इनकी ना तैयारी लगाई होती है, तो इस वजह से ना ये पहले ना चारा नहीं खाते थे पेट भरकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल फिट हो चुके हैं, अब ये ना हर चीज माशाल्लाह खाने लग गए हैं। तो इनके लिए ना हमने यंत्र भी खरीदा हुआ है, तो वो भी ना हम इनको डेली डालते हैं। तो सबसे पहले ना इनका वंडा तैयार कर लेते हैं जो नाश्ते में इनको देना है, उसमें ना क्या क्या चीजें डालते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो इसलिए हमारे इस व्लॉग को ना आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये खुरली ना हमने उस तरफ लेकर जानी है दीवार के बाहर, क्योंकि यहाँ पर ना इधर बाकी बकरियां भी बैठी हुई हैं। तो वंडा हमने सिर्फ बकरों को ही देना है, हम इनको ना अलहदा साइड पर ले जाते हैं और वहां पर इनको खिलाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम ना वंडा तैयार कर लें। ये है जी तकरीबन 1-1.5 किलो गंदम जो हम ना रात को इनको खिलाने के लिए भिगो देते हैं। ये देखें अब ये इसकी ना गर्मी वगैरह निकल गई है पानी में भीगने से, तो अब ये तसले में डालते हैं। ये देखे दाने फूल चुके हैं, अब इनको ना अच्छी तरह पहले धो लेते हैं पानी से। तो इनको मलने के बाद जो पानी है उसको निकाल देते हैं। तो पानी हमारा निकल चुका है, अब इसके अंदर ना थोड़ा सा चोकर डालेंगे। ये एक कोला चोकर का भर के मैं ले आया हूँ, अब इसके अंदर डालते हैं। और अब ना इसके अंदर ना थोड़ा सा भूसा डालेंगे जिसे हम तूड़ी कहते हैं, तो वो डालते हैं। तो ये है जी तूड़ी, यहाँ से हम थोड़ी तूड़ी डालेंगे इसमें, ताकि इससे ना खुश्क चारा बन जाएगा इनका। ये मुर्गियों ने तूड़ी के अंदर अंडा दिया हुआ है, ये भी मिल गया है हमें। अब इनको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, आधा इस तसले में डाल लेते हैं। तो ये देखें जी हमारा बंडा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब ना खुरली यहाँ पर लेकर आते हैं और बकरों को फिर लेकर आते हैं ताकि वो खा लें। तो खुरली हमने ना इधर रख ली है, अब इसके अंदर ना तसले रखेंगे वंडे वाले, तो फिर बकरे लेकर आते हैं। हमारे 6 बकरे हैं ना, तो 3 बकरे इस साइड पे लग जाएंगे, 3 बकरे उस साइड पे। ये मुर्गियां देखें, तो अब ना इनको इनकी जगह पे बांध देते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारे सारे बकरे यहाँ बंडा खाने लग गए हैं, 4 इधर हो गए हैं और 2 इधर। ये 2 न्यू बकरे हम लेकर आए हैं, नए हैं। तो ये तो मैंने आपको ना पिछली वीडियो में भी दिखा दिए थे। ये एक बार ना अपनी डाइट पूरी कर लेना, खा लिया है थोड़ी सी, मैं इनको अब देने लगा हूँ बारीक सूखी खल, तो अभी देते हैं। थोड़ा भर के मैं ले आया हूँ, अब डालते हैं। अब ये देखें सूखी खल खा रहे हैं, इधर भी और इधर भी। तो तूड़ी वंडा इन्होंने खा लिया है, ये मोटी मोटी तूड़ी है, ये रह गई है बस, ये नहीं खाएंगे ये। अब आखिर पे ना इनको पानी पिला देते हैं, तो फिर इनको बांधते हैं बरामदे में छाँव में। तो अब जी इनको पानी रख देते हैं, सादा पानी अब ये पी लें, क्योंकि तो इन्होंने ना तूड़ी खाई है, खुश्क चारा खाया है, इसलिए इनको प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है, तो अब ये पानी पी लें। तो इन बकरों को पानी पिला दिया है, यही रह गया था, तो अब ये पी रहा है। तो इनकी सुबह की नाश्ते की रूटीन तो मुकम्मल हो गई है,
तो अब मैं आपको ना अच्छी तरह इनको दिखा देता हूँ, थोड़ा करीब से दिखा रहा। ये दोनों बकरे ना सिंधी बकरे हैं, तो अभी इनको ना तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं हम मंडी से लेकर आए हैं। तो पहले ना 5-7 दिन ना इन्होंने बहुत तंग किया है, ये कोई चीज़ खाते भी नहीं थे, क्योंकि इनकी ना तैयारी लगी हुई थी मंडी में, जो जानवर बिकने आते हैं उनकी ना तैयारी लगी होती है, तो उनको ना घर पे लाकर खिलाना बहुत मुश्किल होता है। 3-4 दिन ना बहुत तंग करते हैं, फिर जाके सेट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेट हो गए हैं, ये फार सेल हैं दोनों। तो अब जी इनको ना यहाँ बरामदे में बांध देते हैं छाँव में। तो इन चारों बकरों को ना यहाँ बरामदे में बांध दिया है। अब ना सबसे आकर पे ना इनको मसाला दिया जाएगा। तो मसाला मैं ना ले आया हूँ, इसका नाम है पावर स्टोमिक पंजाब, इस मसाले का नाम है। ये भूख में कमी हो, अगर ये इनको ना ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगाएगा, भूख बढ़ाएगा और मेते के लिए बहुत अच्छा है। ये अब ना इनको एक एक चम्मच दे देते हैं, चम्मच की बजाय ना एक एक मुट्ठी दे देते हैं। इधर से इसे पकड़ेंगे और गाल में से ना उंगली डालकर ऐसे दे देंगे। निकल लो निकल लो। तो इस बकरे को मैं जब भी देता हूँ ना, ये ना खुद भी खा लेता है माशाल्लाह। ये देखें, तो इनको ना मसाला दे दिया है मैंने। अब इनको ना पानी नहीं पिलाया जाएगा, तकरीबन ना 2-2.5 बजे इनको पानी दिया जाएगा, जब इनको ना सब चारा खिलाने का वक्त हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ना इनकी सुबह नाश्ते की रूटीन शेयर की। तो जब भी नए बकरे हम खरीदते हैं ना, तो इनको ना पहले 5-7 दिन ना बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि ये चारा नहीं खाते। जब जानवर ना एक जगह से दूसरी जगह जाए ना, तो उसको ठीक होने में ना काफी वक्त लगता है, दिल लगाने में काफी वक्त लग जाता है। तो ये ना तकरीबन 7-8 दिन में ना जाकर सेट हुए हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है और चारा वगैरह ना बिल्कुल सेट खा रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।